महारानी अहिल्याबाई होलकर भारत के मालवा साम्राज्य की मराठा होलकर महारानी थीं। अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 ईस्वी को महाराष्ट्र के अहमदनगर के छौड़ी ग्राम में हुआ था। इनके पिता मनकोजीराव शिंदे अपने गांव के पाटिल थे। उस समय महिलाएं स्कूल नहीं जाती थीं, लेकिन अहिल्याबाई के पिता ने उन्हें लिखने पढ़ने लायक पढ़ाया। अहिल्याबाई के पति खंडेराव होलकर 1754 के कुंभेर युद्ध में शहीद हुए थे। 12 साल बाद उनके ससुर मल्हार राव होलकर की भी मृत्यु हो गई। इसके एक साल बाद ही उन्हें मालवा साम्राज्य की महारानी का ताज पहनाया गया। वह हमेशा से ही अपने साम्राज्य को मुस्लिम आक्रमणकारियों से बचाने की कोशिश करती रहीं, बल्कि युद्ध के दौरान वह खुद अपनी सेना में शामिल होकर युद्ध करती थीं। उन्होंने तुकोजी राव होलकर को अपनी सेना के सेनापति के रूप में नियुक्त किया था। रानी अहिल्याबाई ने अपने साम्राज्य महेश्वर और इंदौर में काफी मंदिरों का निर्माण भी किया था। इसके साथ ही उन्होंने लोगों के रहने के लिए बहुत सी धर्मशालाएं भी बनवाई। ये सभी धर्मशालाएं उन्होंने मुख्य तीर्थ स्थान जैसे गुजरात के द्वारका, काशी विश्वनाथ वाराणसी का गंगा घाट, उज्जैन नासिक विष्णुपद मंदिर और बैजनाथ के आसपास ही बनवाई। मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़े हुए मंदिरों को देखकर ही उन्होंने सोमनाथ में शिवजी का मंदिर बनवाया, जो आज भी हिंदुओं को द्वारा पूजा जाता है। वही बात करेंगे इनके वैवाहिक जीवन के बारे में, तो इनका विवाह इंदौर राज्य के संस्थापक महाराज मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडेराव से हुआ था। सन 1745 में अहिल्याबाई के पुत्र हुआ और 3 वर्ष बाद एक कन्या, पुत्र का नाम मालेराव और कन्या का नाम मुक्ताबाई रखा। उन्होंने बड़ी कुशलता से अपनी पति के गौरव को जगाया। कुछ ही दिनों में अपने महान पिता के मार्गदर्शन में खंडेराव एक अच्छे सिपाही बन गए। मल्हार राव को भी देखकर संतोष होने लगा। पुत्र वधु अहिल्याबाई को भी वह राजकाज की शिक्षा देते रहते थे। उनकी बुद्धि और चतुराई से वह बहुत प्रसन्न होते थे। मल्हार राव के जीवन काल में ही उनके पुत्र खंडेराव का निधन 1754 ईस्वी में हो गया था। अतः मल्हार राव के निधन के बाद रानी अहिल्याबाई ने राज्य का शासन भार संभाला था। इनकी गणना आदर्श शासकों में की जाती है। वे अपनी उदारता और प्रज्वलता के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके एक ही पुत्र था मालेराव, जो 1766 ईस्वी में दिवंगत हो गया था। अतः 1767 ईस्वी में अहिल्याबाई ने तुकोजी होलकर को सेनापति नियुक्त किया था। रानी अहिल्याबाई अपनी राजधानी महेश्वर ले गई। वहां उन्होंने 18वीं सदी का बेहतरीन और आलिशान अहिल्या महल बनवाया था। पवित्र नर्मदा नदी के किनारे बनाए गए इस महल के इर्द गिर्द बनी राजधानी की पहचान बनी। टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री उस दौरान महेश्वर साहित्य मूर्तिकला संगीत और कला के क्षेत्र में एक गढ़ बन चुका था। मराठी कवि मोरोपंत शाहिर अनंत फंडी और संस्कृत विद्वान खुलासी राम उनके कालखंड के महान व्यक्तित्व थे। एक बुद्धिमान तीक्ष्ण सोच और स्वरफूर्त शासक के तौर पर अहिल्याबाई को याद किया जाता है। हर दिन वह अपनी प्रजा से बात करती थी, उनकी समस्या सुनती थी। उनके कालखंड 1767 से 1795 तक में महारानी अहिल्याबाई ने ऐसे कई काम किए कि लोग आज भी उनका नाम लेते हैं। अपने साम्राज्य को उन्होंने समृद्ध बनाया। उन्होंने सरकारी पैसा बेहद बुद्धिमानी से कई किले और विश्राम गृह, कुएं और सड़कें बनवाने पर खर्च किया। वह लोगों के साथ त्योहार मनाती और हिंदू मंदिरों को दान देती। अहिल्याबाई का मानना था कि धन प्रजा व ईश्वर की दी हुई वह धरोहर स्वरूप निधि है, जिसकी मैं मालिक नहीं बल्कि उसके प्रजाहित में उपयोग की जिम्मेदारी संरक्षक हूँ। उत्तराधिकारी न होने की स्थिति में अहिल्याबाई ने प्रजा को दत्तक लेने का व स्वाभिमान पूर्वक जीने का अधिकार दिया। प्रजा के सुख दुख की जानकारी वे स्वयं प्रत्यक्ष रूप प्रजा से मिलकर लेती तथा न्यायपूर्वक निर्णय देती थी। उनके राज्य में जाति भेद को कोई मान्यता नहीं थी, बस सारी प्रजा समान रूप से आदर की हकदार थी। इसका असर यह था कि अनेक बार लोग निजाम शाही व पेशवा शाही शासन छोड़कर इनके राज्य में आकर बसने की इच्छा स्वयं इनसे व्यक्त किया करते थे। अहिल्याबाई के राज्य में प्रजा पूरी तरह सुखी व संतुष्ट थी, क्योंकि उनका विचार में प्रजा का संतोष ही राज्य का मुख्य कार्य होता है। लोकमाता अहिल्याबाई का मानना था कि प्रजा का पालन संतान की तरह करना ही राजधर्म है। इसी के साथ अहिल्याबाई किसी बड़े भारी राज्य की राजनी नहीं थी, बल्कि एक छोटे भूभाग पर उनका राज्य कायम था और उनका कार्य क्षेत्र अपेक्षाकृत सीमित था। इसके बावजूद जन कल्याण के लिए उन्होंने जो कुछ किया वह आश्चर्यचकित करने वाला है। वह चिरस्मरणीय है। राज्य की सत्ता पर बैठने के पूर्व भी
उन्होंने अपने पति पुत्र सहित अपने सभी परिजनों को खो दिया था। इसके बाद भी प्रजा हितार्थ किए गए उनके जन कल्याण के कार्य प्रशंसनीय हैं। उन्होंने 1777 में विश्व प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया। शिव की भक्त अहिल्याबाई का सारा जीवन वैराग्य, कर्तव्य पालन और परमार्थ की साधना का बन गया। मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा तोड़े हुए मंदिरों को देखकर ही उन्होंने सोमनाथ में शिव मंदिर बनवाया था। शिव के प्रति उनके समर्पण भाव का पता इस बात से चलता है कि अहिल्याबाई राजाज्ञाओं पर हस्ताक्षर करते समय अपना नाम नहीं लिखती थी, बल्कि पत्र के नीचे केवल श्री शंकर लिख देती थी। उनके रुपयों पर शिवलिंग और बिल्प पत्र का चित्र और पैसों पर नंदी का चित्र अंकित है। कहा जाता है कि तब से लेकर भारतीय स्वराज की प्राप्ति तय उनके बाद में जितने नरेश इंदौर के सिंहासन पर आए सबकी राजाज्ञाएं जब तक कि श्री शंकर के नाम से जारी नहीं होती तब तक वह राजाज्ञा नहीं मानी जाती थी और उस पर अमल नहीं भी होता था। उन्होंने स्त्रियों की सेना बनाई लेकिन वे बात अच्छी तरह जानती थी कि पेशवा के आगे उनकी सेना कमजोर थी, इसलिए उन्होंने पेशवा को यह समाचार भेजा कि यदि वह स्त्री सेना से जीत हासिल भी कर लेंगे तो उनकी कीर्ति और यश में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। दुनिया यही कहेगी कि स्त्रियों की सेना से ही तो जीते हैं और अगर आप स्त्रियों की सेना से हार गए तो कितनी जग हसाई होगी आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अतः अहिल्याबाई की यह बुद्धिमानी काम कर गई और पेशवा ने आक्रमण करने का विचार बदल दिया। इसके बाद महारानी पर दत्तक पुत्र लेने का भी दबाव बढ़ने लगा, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि वे प्रजा को ही अपना सब कुछ मानती थीं। उनके इस फैसले के बाद राजपूतों ने उनके खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया, लेकिन रानी ने कुशलतापूर्वक उस विद्रोह का ही दमन कर दिया। अपनी कुशाग्र बुद्धि का प्रयोग करते हुए रानी अहिल्याबाई होलकर ने मालवा के खजाने को फिर से भर दिया। वही बात करेंगे योगदान की, तो अहिल्याबाई ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए, घाट बंधवाए, कुओं और बावड़ियों का निर्माण किया, मार्ग बनवाए, सुधरवाए, भूखे के लिए अन्न संत्र इकट्ठे किए और खोले, और इसी के साथ प्यासों के लिए प्याऊ पिठलाई मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति, शास्त्रों के मनन चिंतन और प्रवचन हेतु की और आत्म प्रतिष्ठा के झूठे मोह का त्याग करके सदा न्याय भरने का प्रयत्न करती रहीं। मरते दम तक ये उसी परंपरा में थी जिसमें उनके समकालीन पूना के न्यायाधीश राम शास्त्री थे और उनके पीछे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हुई। अपने जीवन काल में ही इन्हें जनता देवी समझने और कहने लगी, इतना बड़ा व्यक्तित्व जनता ने अपनी आंखों देखा ही कहा था जब चारों ओर गड़बड़ मची हुई थी, शासन और व्यस्त व्यवस्था में और काफी घमासान मचा हुआ था, सारा धर्म अंधविश्वासों भय त्रासों और रूढ़ियों की जकड़ में कसा हुआ था। इसी के साथ अहिल्याबाई होलकर ने आकर काफी ज्यादा सुधार किया और जनता के प्रति काफी अच्छे काम किए और जनता से हमेशा बात करती थी, जनता को अपनी समक्ष रखा और उन्होंने प्रजा की अपना ख्याल भी रखा। वही उपलब्धियां तो अहिल्याबाई ने इंदौर को एक छोटे से गांव से खूबसूरत शहर बनाया, मालवा में कई किले और सड़कें बनवाई, उन्होंने कई घाट मंदिर तालाब कुएं और विश्राम गृह बनवाए, न केवल दक्षिण भारत में बल्कि हिमालय पर भी। सोमनाथ, काशी, गया, अयोध्या, द्वारका, हरिद्वार, कांची, अवंती, बद्री नारायण, रामेश्वर, मथुरा और जगन्नाथपुरी आदि। इनकी मृत्यु के बारे में बताना चाहूंगा तो 72 वर्ष की अवस्था में 13 अगस्त 1795 में इनकी मृत्यु हो गई। इतने आघातों को सहकर भी उन्होंने इतने महान कार्य किए। तो दोस्तों आपको कैसे लगी राजमाता अहिल्याबाई होलकर के जीवन से जुड़ी ये बातें, हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक